अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ट्रस्ट लोकसभा चुनाव में हमीरपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का समर्थन करेगा। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल सिंह परमार ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का ये आम सहमति से लिया गया निर्णय है कि अनुराग ठाकुर का वे समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ट्रस्ट लोकसभा चुनाव में हमीरपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का समर्थन करेगा। हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों के अध्यक्षों व पदाधिकारियों का ये आम सहमति से निर्णय है कि अनुराग ठाकुर को समर्थन दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,000 लोग अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा से जुड़े हैं तथा ये सब भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। ये हमारा जो संगठन है वो हर जिले में है, हर विधानसभा में, हर ग्राम पंचायत में और हर तहसील स्तर पे है। तो ये सभी आज जो टीम गांव-गांव में जाके उनके लिए प्रचार प्रसार करेगी और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक लेके जाए, क्योंकि देखिए वोट एक ऐसी चीज है जो सभी को देना चाहिए। ये ही एक आपको अधिकार दिया गया है जो बिना किसी भेदभाव की है। मैं कहता हूँ कि आप सभी को, देशवासियों को, जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं सभी अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा उन प्रत्याशियों को सहयोग करें जो समाज और देश हित में काम करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। यही मेरा मान। इसके साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं लोकसभा के ये इलेक्शन चल रहे हैं, उस चीज पे भी चर्चा हुई। यहाँ संगठन ने सभी लोगों के साथ काफी डिस्कस किया और सभी ने ये निर्णय लिया कि जो इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो अनुराग ठाकुर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनको समर्थन दिया जाए। तो सभी की बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने इस निर्णय को आगे पालन करने का निर्णय लिया है और ऐसे ही संगठन जहां भी जो लोग, जो अच्छी पार्टियों से लोग हैं, जो समाज हित और देश हित की बात करते हैं, संगठन सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा और नियमित अपने समाज को साथ में लेते हुए राजनीति में जो हमारे समाज के लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो लोग हमारे समाज में कमजोर हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कैसे उनके साथ संगठन उद्धार का काम करे, कैसे उनका सहयोग करे, इन सभी विषयों को सोचते हुए आज की हमने ये मीटिंग। परमार ने कहा कि हमीरपुर में रविवार को प्रदेश के तीन जिलों की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें दिल्ली से भी पदाधिकारी भाग लेने के लिए आए हुए थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय समाज को संगठित करने व लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की भूमिका पर चर्चा की गई है। सिंह परमार है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो हमारी ये आज मीटिंग रखी गई है ये हिमाचल के चार जिलों को लेकर रखी गई है। इसमें हमारे दिल्ली से भी पदाधिकारी आए हुए हैं, हिमाचल के भी पदाधिकारी हैं और तीन जिलों के जिलाध्यक्ष और उनकी टीम। ये नियमित हमारी बैठकें होती रहती है, हर महीने पे मंथली बैठक होती है और जो तीन चार जिलों को क्लब करके संसदीय क्षेत्र की जो मीटिंग होती है वो क्वार्टरली मीटिंग होती है। तो ये आज हमारी क्वार्टरली मीटिंग है। इस मीटिंग में जो चीज़ें निकल के आई वो था कि कैसे समाज को संगठित किया जाए, कैसे अपने अधिकारों की रक्षा की जाए और कैसे हमारे जो समाज के लोग हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, कैसे उनके अधिकारों के लिए हम और हमारा संगठन खड़ा हो, इन सारे विषयों पे बात हुई। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।